हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रिया आज आपको बूंदी रायता विद बटर मिल्क, जी फ्रेंड्स, बूंदी का रायता और वो भी बटर मिल्क में आपको रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमने लिया है ये है हमारा काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर। दोनों को मिक्स करके मैंने एक डिब्बे में भर के रख लिया है। आप भी रख सकते हैं, जब भी आपका मन चाहे आप रायते में डाल सकते हैं। ये हमने 1 स्पून जीरा लिया है, 1 स्पून सूखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है दर तरह। ये हमने एक हरी मिर्च काट ली है, बारीक चॉप कर ली है। ये हरा धनिया लिया है हमने। ये हमने बटर मिल्क लिया है। ये बटर मिल्क बहुत ही स्पेशल है, ये हमने घर पे ही बनाया है बटर मिल्क, इसलिए बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये रायता। और ये है हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, वो बूंदी है। ये बूंदी भी हमने घर पे बनाई है, इसको हमने पानी में धुल के रख ली है, देखो इसलिए सॉफ्ट भी हो गई है। देखिए बूंदी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हमने बटर मिल्क में ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। भुना जीरा, काला नमक पाउडर, ये लाल मिर्च, धनिया नमक पाउडर, ये धनिया डाल दिया है, ये हरी मिर्च डाल दी है और बूंदी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके देखिए हमारी बूंदी फूलने भी लगेगी। अगर आपको क्रंची टाइप का चाहिए तो आप बूंदी बगैर भिगोए भी डाल सकते हैं। और इस साइड हमने ये रख दिया है दिया, जिससे हम ऑलवेज ही छौंका लगाते हैं। तो ये हमने गरम कर लिया है। सी फ्रेंड्स, ये हमने अपना दिया गरम कर लिया है, देखिए। और इसमें हल्का हमने ऑयल डाल लिया है और ये हम अपना जीरा डालेंगे, देखिए। इसको भी हमें हटाना नहीं है, गैस भी रखना है। जलाना है, ब्लैक करना है हमें, थोड़ा हिला देंगे। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलने लगा है, गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और हमें इसे रायते में डालना है और तुरंत ही कवर कर देना है ताकि इसका फ्लेवर इसमें ऑब्जॉर्व हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना जो रायता कवर किया था उसको हमने 5 मिनट कवर करके रख दिया था, उसको हमने उठा लिया है और ये हमने अपने बर्तन में सर्व किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब रायता बना है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर देखने में। देखिए ये हमने जीरा जलाया था ना, देखिए ये इस प्रकार दिख रहा है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी दिख रहा है। तो आप भी इस बटर मिल्क का रायता बनाइए फ्रेंड्स। दही का तो सभी बनाते हैं, बट एक बार प्लीज आप बटर मिल्क रायता बनाकर जरूर खाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये रायता आपको।
ये एक्चुअली ये जो हमने आपको दिया जला के जो हमने बताई थी स्टेप जो बताया था वो हमारे दादी जी करती आई हैं। वो बहुत ही टेस्टी रायता लगता है और हमारे घर में तो ऐसे ही बनता है रायता। तो आप भी इस रायते को बनाइए और टेस्ट करिए, खाइए खिलाइए। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।